साल 2017 को हमने बाय कह दिया है और हम वेलकम कर रहे हैं ईयर 2018 को। बॉलीवुड में 2017 में क्या हुआ, आई एम गोना लेट यू नो। एंड हु एम आई? माय नेम इज विवेक। साल 2017 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई लेकिन ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस के टेस्ट पर फेल हो गई। बट हाँ, कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिन्हें पब्लिक ने दिल और जेब दोनों खोल के स्वागत किया। सो हेयर आई हैव 10 highest grossing film of 2017. Have a look. 10th position में है बद्रीनाथ की दुल्हनिया स्टारिंग वरुण धवन एंड आलिया भट्ट विद 116.60 crores. नौवें नंबर पे है अक्षय कुमार विद जॉली LLB 2. भले ही पार्ट 1 की तरह लीड एक्टर को नेशनल अवार्ड नहीं मिला हो बट इस फिल्म ने पहले पार्ट से ज्यादा पैसे कमाए। Eighth is Salman's film Tubelight. I don't want to say anything that why and how it was made, but yeah, it has made 121.25 crores. ₹126.85 crore bana ke Hrithik Roshan ki Kangana, oops, I mean Kabil hai 7th number pe. भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा विच वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी इज इन 6th पोजीशन विद अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ 134.25 crores. सुपरस्टार शाहरुख रईस इज इन 5th पोजीशन विद अ कलेक्शन ऑफ 137.51 CR. वरुण के लिए साल 2017 काफी लकी रहा। बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सक्सेस के बाद जुड़वा 2 ऑल्सो बिकेम अ बिग हिट एंड विद अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ 138 crores. इट इज इन द 4th पोजीशन। रोहित शेट्टी जिनकी कोई भी फिल्म 100 crores से कम नहीं कमाती, नॉट एप्लीकेबल फॉर दिलवाले ऑफ कोर्स। सो अजय देवगन के साथ उनका एसोसिएशन सक्सेसफुल रहा। फिल्म गोलमाल रिटर्न्स मेड 205.52 crores एंड इट इज इन द 3rd पोजीशन इन द लिस्ट। सेकेंड पोजीशन पर है सलमान खान की टाइगर जिंदा है जिसने अब तक 300 करोड़ बना लिए हैं एंड इट इज स्टिल काउंटिंग। एंड एनी गेसेस फॉर नंबर 1? वेल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब हमें मिला साल 2017 में। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पब्लिक ने दिल खोल के पैसे खर्चे। भारत में इस फिल्म ने 511.30 करोड़ बना के ये फिल्म है साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन नंबर 1 पोजीशन। सो ये थी वो कुछ फिल्में जिन्होंने साल 2017 में सबसे ज्यादा कमाई की। आई होप यू विल रिमेम्बर दिस। 2018 से भी हमें यही उम्मीदें हैं कि आने वाली बहुत सारी फिल्में सुपरहिट साबित हों। स्टे ट्यून्ड।